बच्चों, आज आपको मैं हिंदी में झ झ अक्षर बनाना सिखाऊंगी। झ से झंडा, झ से झरना, झ से झंडा। ये कौन सा अक्षर बना हुआ है बोर्ड पर? झ। झ से झरना, ये देखिए ये क्या है, झ से झरना, झ से झोपड़ी, झ से झोपड़ी, झ से झंडा। ये कौन सा अक्षर बना हुआ है? झ। ये कौन सा अक्षर है? झ। कौन सा अक्षर है? झ। कौन सा अक्षर है? झ। आप कैसे बनाते हैं इसे, मैं आपको बता दी हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल लाइन है ना आपकी, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लाइन में ही बनना चाहिए कि फिर बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल। ई बनाते हैं ना, ई से इमली, से ईक, जैसे ई बनाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन स्मॉल और इसी से मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया ये? झ। फिर से बनाएंगे, फर्स्ट लाइन हो गई, इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेकंड लाइन में बनाएंगे, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल। फिर यहाँ से हम एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, इसी को टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन। फिर से देखिए, ये स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्या बन गया ये? झ। अब आप अपनी प्रिंटेड नोटबुक निकालेंगे, प्रिंटेड नोटबुक में पेज नंबर 63 पेज नंबर पर आपको झ बनाना है। सबसे पहले हम पेंसिल ट्रेस करेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, फिर स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। फिर से ट्रेस करिए, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, फिर यहाँ से स्लीपिंग लाइन बनाई, इसी को मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया? झ। कौन सा अक्षर है ये? झ। फिर से देखेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये बन गई स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया? झ। अब आप लोग बनाकर दिखाइए, इस लाइन को कंप्लीट करिए, सारे बच्चे इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, सेकंड वाली लाइन पर बनाएंगे।
यहाँ पर बनाएंगे पहले स्लीपिंग लाइन। फर्स्ट लाइन सभी बच्चे कंप्लीट करिए, अभी देख रही हूँ मैं आप लोगों का। फिर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, यहां से एक स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया? झ। क्या बन गया? झ। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। क्या बन गया ये? झ। झ से झंडा। कंप्लीट करके दिखाइए वाली लाइन, कंप्लीट करेंगे सारे बच्चे। चलिए अभी देखती हूँ मैं आप लोगों का कौन सा अक्षर है ये। झ। झ से झंडा। झ से झरना। झ से झोपड़ी। सभी ने कंप्लीट कर ली, दिखाइए मुझे ऐसे। यस। चलिए अब थर्ड वाली लाइन कंप्लीट करते हैं। एक मैं कंप्लीट करूंगी, फिर आप लोग पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, एक मैं बनाऊंगी। ओके। स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर राइट कर टेल, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। चलिए कंप्लीट करेंगे आप, लाइन कंप्लीट करिए, ये आप पूरी लाइन ये सभी कंप्लीट करेंगे। आप लोग बनाना सीख चुके हैं ना। अब इसके बाद आपको रिवीजन में ई से ईक, ऊ और ऊ अक्षर रिवीजन में बनाना है। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी है, जिसमें झ ना हो उस पर क्रॉस लगाइए। अब देखिए इसमें पहले पर झ दिया हुआ है ना, झड़प समझ दोनों में दिया हुआ है, इसमें क्रॉस नहीं लगाएंगे। छतरी इसमें नहीं है, इसमें क्रॉस लगा देंगे। एक में क्रॉस लगाएंगे, बाकी सभी में झ दिया हुआ है तो इस पर क्रॉस नहीं लगाएंगे। ओके। अब ये वर्क आप लोग कंप्लीट करके दिखाइए आप मुझे प्रिंटेड नोटबुक में। ओके। बाय बाय।